talk about China stimulus? Because this is connected with the previous one. You know, economy, if you don't have an economy going, how are you going to, you know, build up your Navy, Air Force, Army, whatever you want? And if you build it up and you put money into it, it's dead money, because now China is at a stage where it has to decide where to put its money. Earlier, उसके पास बहुत पैसा था, जहां मर्जी लगा लो, तो फौज को बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, पर वो मुश्किल है. अगर वो Xi Jinping and company बिना सोचे कुछ करे तो वो आउट हो जाएंगे. Let's talk of China stimulus, which is actually catching all of us and think, making us think. Okay, you know, आज ये आर्टिकल निकला है वेर वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट सेज भाई ये जो 4 trillion UN का जो यू नो स्टिमुलस आप देने जा रहे हो वो इनफ नहीं है. यू टू गो टू एक्चुअली 1.4 trillion US dollars. 1.4 US dollars trillion is something like कि तकरीबन 10-11 ट्रिलियन UN. ओके, तो यही बोल रहा है कि 4 trillion आप दे रहे हो, पहले दो, अभी बोल रहे हैं दो, ये इट्स नॉट इनफ, इट्स जस्ट नॉट इनफ. ओके, एंड देन दिस आर्टिकल केम आउट यस्टरडे एंड इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग आर्टिकल. यू अंडरस्टैंड विद दिस एंड व्हाट दे डिड इन द PLA ड्रिल्स द मूड इन चाइना. व्हाट डू दे से इसमें? कहते हैं, हाउ बिग इज बीजिंग्स वॉर चेस्ट एंड व्हाई डज अ हेडलाइन स्टिमुलस फिगर रिमेन एल्यूसिव. एक बोल नहीं रहे चाइना वाले कि इतना स्टिमुलस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पक्का नहीं बोल रहे हैं, कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं अभी तक. क्यों? अगर आप सोचो, देर आर फ्यू इश्यूज एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस इश्यूज देन यू विल थिंक हिज इकोनॉमी विल रिवाइव. See, the point is this. जब तक ये स्टिमुलस ना दे, इसका इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं, और ये स्टिमुलस आज के दिन दे नहीं सकता. लोगों का मोरल डाउन है, कॉन्फिडेंस डाउन है. जैसे हमने 3 दिन पहले वो असेसमेंट में बताया, ओवरऑल मूड पेसिमिज्म का है. बट स्पेसिफिकली व्हाई यू कांट गिव स्टिमुलस, मैंने सोचा, और बात यह है कि पैंडेमिक के बाद इसका इकोनॉमी चला नहीं. ओके, ही इज इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, और जितना भी अभी तक स्टिमुलस है वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट रिटर्न नहीं है, दोबारा डाल के क्या करेगा? प्रॉपर्टी बढ़ नहीं रहा. देर आर 80 million हाउसेस इन चाइना वेकेंट. अगर ये पूरा इसमें जो भी कवर आ रहा है अगर गिन भी लो, तो हो सकता है कि ठीक है, मान लो इनका 20-30-40 हजार फ्लैट बिक गए, 80 million फ्लैट के साथ क्या करेंगे ये? खाली और कुछ बने नहीं, जिसके पैसे खा गए ये सब. लोगों का पैसा वहीं फंसा पड़ा है, ठीक है ना? ओके, हाउसहोल्ड्स, प्रोविंशियल प्रोविंसेस, सिटीज और पूरा स्टेट सब कर्ज में डूबे हुए हैं. सब पूछ रहे हैं, भाई सब कर्ज में डूबे हैं तो पैसा कहां से आ रहा है? ये आप सोचिए. चाइना में लोग कर्ज नहीं करते क्योंकि वो पैसा जाके बैंक में डालते हैं. ओके, सो इफ यू पुट मनी इन द बैंक, व्हाट डज द बैंक डू? द बैंक गिव्स मनी टू द गवर्नमेंट and the government will spend. So, and if the return of investment is not there from the government, it's okay. Government ko kya farak padta hai? Logon ka paisa to hai. Logon ko bol rahe hain ki bhai hum denge aapko, par actually paisa mil nahi raha logon ko. Aur log nikalne bhi nahi chahte hain. Kyunki nikal diya to unka saving khatam. Kyunki whatever they have put, people have put in property has gone. It's gone by 30-40% down.
Very few people are involved in share markets in China, stocks and all that. So stocks वैसे भी down है. So people are getting poorer. Okay, कर्ज में है वो. अगर वो कर्ज वाले आदमी को आप स्टिमुलस दे दोगे तो क्या करेगा वो? अगर मैं होता, मतलब ये आप कर्ज चुकाओ, पैसा लो, बैंक को दे दो दोबारा और कर्ज मिटा दो और मैं खुश. तो फायदा क्या हुआ? वो पैसा अगर गवर्नमेंट ने एक हाथ से लिया और वापस उस दूसरे हाथ में उनको वापस आ जाएगा, क्या करेंगे वो? राइट, कर्ज और बढ़ेगा, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा क्योंकि पीपल आर स्केर्ड इन चाइना. ओके, सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. और बात यह है कि वो एजिंग भी हो रहा है, डेमोग्राफिक डिक्लाइन भी हो रहा है. अगर मैं हूं, मेरा यू नो माता पिता और मेरे वाइफ के माता पिता भी मेरे सर पे वो सवार हैं और उनको देखभाल करना है, तो मैं क्यों खर्च करूंगा यार? मैं तो टीवी थोड़ी ना करूंगा, मैं तो वॉकर लूंगा उनको देने के लिए. सो देयर इज अ ह्यूज मिसमैच. और ये बात मेरे ख्याल में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. और चाइना में पता है सबको, ऐसी बात नहीं कि चाइना में नहीं पता, चाइना में सबको पता है ये. इसीलिए वो भी डर रहे हैं, अगर स्टिमुलस ज्यादा दे दिया इकोनॉमी ओवर हीट हो जाएगा, दोबारा बबल शुरू हो जाएगा और फटेगा. अब की बार फटेगा तो गया काम से. अच्छा, स्टिमुलस दे दो, सब कुछ दे दो, तो आपका जो सामान है वो खरीद कौन खरीदेगा? सबके साथ तो आपने लड़ लिया. पिछले 30 साल यू हैड टेलविंड्स, एवरीवन वांटेड यू टू ग्रो. अब वो नहीं हो रहा है, वो तो पीछे हट गए सारे, सब ईवी ये भी वो क्या वो टैरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं. अगर आप सितंबर के आंकड़े देखेंगे तो इंपोर्ट्स भी डाउन है इनके. इंपोर्ट्स चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि इंपोर्ट्स नहीं है, बट ओवरऑल डाउन है और उनके रेट्स डाउन है. ऊपर अंदर देख जान के देखे, वेतन कम हो गया लोगों का, नए ग्रेजुएट्स को पैसा नहीं मिल रहा, ओ नौकरी नहीं मिल रहा. तो अगर आप ये सब देखोगे तो लोगों के पास खरीदने का शक्ति नहीं है. और बहुत कुछ जो है ना, एवरीथिंग लॉट गोज ऑन कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं क्यों खर्च करूं? ओके, पॉलिटिकली जी जिनपिंग इज नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन. वो आजकल अगले पिछले दो महीने से देखो तो यही हो रहा है, कभी गायब हो जाता है, कभी वो कुछ बोलता है कुछ और होता है. कल जो जनरल राजीव नारायणन के साथ हमने बात किया, परसों, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग. और एक और चीज है, जी जिनपिंग इज अ कट्टर कम्युनिस्ट. वो क्या है, लोगों को पैसा देना नहीं चाहता वो, ही वॉन्ट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बढ़ाना, उनको बढ़ाओ. सिर्फ लोगों के पास उतना ही पैसा होना चाहिए जो वो कंट्रोल में है. लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा आ गया तो वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे. जब इसने सत्ता संभाला है, उस वक्त ये हालत था कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बढ़ रहा था तो चाइना वॉज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ द सीसीपी. ही केम एंड ही इज एक्चुअली फिनिश्ड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट. उससे ये हालत हुआ है. अगर उसी पुराना हालत में चाइना को लेके जाना है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सीसीपी विल नॉट बी हैविंग पावर. तो स्टिमुलस तो बहुत दूर की बात है. सो दे आर इन अ ह्यूज प्रॉब्लम. कुछ लोग बोल रहे हैं कि बस स्टिमुलस दो, अभी खुल के बोल रहे हैं. आपने देखा है, ये पहले बंदा नहीं है जो मैंने दिखाया, उनका टॉप इकोनॉमिस्ट, ऐसे 4-5 टॉप इकोनॉमिस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया. सो देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन द होल सिस्टम. तो आकर मेरे हिसाब से चाइना एक अमीर देश है जिसमें लोग गरीब हैं. तो अगर हम सोचते हैं कि ऐसे देश जाके कल के दिन ताइवान के साथ लड़ लेगा
या इंडिया के साथ लड़ लेगा या किसी के साथ लड़ लेगा तो हमारा फहमी थोड़ा गलत है. आई डोंट थिंक इट विल हैपन. दैट्स माय व्यू. आई कैन आर्ग्यू इट आउट विद एनीवन. ये बड़ा लड़ाई नहीं कर सकता. छोटा मोटा लड़ाई हो सकता है जिसके बारे में मेरे को डर है. वो ही है क्या हमारे अंदर वो शक्ति है कि वेन एवर दैट हैपेंस यू आर एबल टू फोरस्टॉल इट. कैन यू डू अ कोर्ट अप्रोप्रिएट को. आई पुट दैट वीडियो आउट द कमिंग वॉर विद चाइना. आई एम गोइंग टू पुट इट आउट टुमारो अगेन. हैव अ लुक एट इट इन द लाइट ऑफ व्हाट आई हैव सेड टुडे. राइट. दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके. Now, don't believe me. This fellow is Ray Dalio. Ray Dalio has been bullish on China. ये China का मैं ज़्यादा काफ़ी invest करता था. अभी इसका व्याख्या देखिए क्या बोल रहा है ये. Think that there are real issues in China now, and they changed really in the last 4 years, and that is that they need a restructuring. A lot of the spending, let's say, individuals, 70% of their money was in real estate. Real estate has gone down. Stocks have gone down. Salaries have gone down. And so, and as a result, they're not spending and they're concerned and they're holding money in cash. So, see what he says. People, stocks have gone down, real estate has gone down, people are holding in cash. They don't want to spend. He has, you know, spent his lifetime. If you want to hear it again. See what he says. And Ray Dalio is one of the biggest investors in China. Okay? I think that there are real issues in China now. And they changed really in the last 4 years. And that is that they need a restructuring. A lot of the spending let's say individuals, 70% of their money was in real estate. Real estate has gone down. Stocks have gone down. Salaries have gone down. And so, and as a result, they're not spending and they're concerned and they're holding money in cash. So that's the status of China today, right? So when we talk of China, we should be very careful and calibrated. What are we doing? Why did I show you this? Do you need investment from China? Agar aapko investment China se aata hai, to will you not be reviving his economy? Is there a case for us to get investment from somewhere else? Wherever. Okay. So there's something wrong with the way we think when we talk of investment from China. Okay? Dushman agar daba hua hai, to usko daba ke rakho. That's the way I look at it. Okay? Right. Let's go ahead. Think that they're. Ye dekhiye. Ye Sri Lanka mein. Sri Lanka mein. आज तक मैंने ये ऐसा व्याख्या नहीं सुना. हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज मैन अरेस्टेड ओवर ऑनलाइन स्कैम्स इन श्रीलंका. ये क्या पहले श्रीलंका में ऑनलाइन स्कैम्स नहीं होते थे? चाइना वाला नहीं करते थे कि आज हो रहा है? अगर आज श्रीलंका कर रहा है, मालदीव्स बोल रहा है कि भाई मैं भारत के पास जाऊंगा, कल ये बांग्लादेशी भी आएगा ढोल बजाते हुए कि मेरे को भी ले लो. So, we have to think. जब से मैंने चाइना का एनालिसिस शुरू किया आज तक पहली बार ऐसे कवर एक फ्रॉम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में देख रहा हूं. एक संकेत है ये कि चाइना का हाल क्या है. कोई पहले चाइना के बंदे को टच नहीं कर सकता था, हम भी नहीं कर सकते थे. पिछले साल तो हमने बहुत लोग वीवो शीवो इन सब लोगों का बंद कर दिया, अकाउंट जब्त कर लिया सब कुछ. पर अब श्रीलंका भी कर रहा है. बात ये है, ये बात समझने वाली बात है. ओके. द
Right, let's go ahead. So this is what all China is all about.